अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है। मैं आपको हमारे वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लेक्चर नंबर 5 में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करता हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें जो प्रोफेशनल टूल्स होते हैं वेब डिज़ाइनिंग करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, उनके बारे में जानेंगे। हमने अब तक जिस टूल पे काम किया है एडिटिंग के कोडिंग के तौर पर, वो कोड हमारा जो सॉफ्टवेयर था वो नोटपैड था, जैसा कि मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, इस नोटपैड पर किए। लेकिन यहाँ पर कोड करने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है। इससे बेहतर जो हमारे पास टूल्स हैं, मैं आज उनके बारे में आपको बताऊंगा, ये बताऊंगा कि वो डाउनलोड कैसे होते हैं और उन पे वर्क किस तरह किया जा सकता है, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस, और इसके अलावा हमारा ड्रीम व्यूवर आ गया, और मेरे ख्याल से दूसरे का नाम जो सॉरी भूल गया है, मैं यहाँ से देख के आपको बताता हूँ, सबलाइम टेक्स्ट है, जो बेसिकली मैं जो अपनी ज़्यादा तौर पर दो यूज़ करता हूँ जो हमारे हैं, एक तो नोटपैड प्लस प्लस है और ड्रीम व्यूवर, ये दोनों मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो नोटपैड प्लस प्लस है। तो मैं आपको बारे बारे तीनों के बारे में बताऊँगा, डाउनलोड कैसे होते हैं डाउनलोड करके दिखाऊँगा, और इनका यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम हमारा कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, जैसे कि मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है तो मैं जी ओपन कर लूँगा। इसके अंदर मैं सबसे पहले अगर हमें नोटपैड प्लस प्लस करना है तो नोटपैड प्लस प्लस यहाँ पर लिखूँगा फ्री डाउनलोड। यहाँ पर याद रखें, जब भी आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो उसको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से करना है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है नोटपैड प्लस प्लस डॉट ओ आर जी, ठीक है, मैं इसी वेबसाइट में चला जाता हूँ। डाउनलोड ये आ गया हमारे पास सबसे टॉप पे, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका सबसे जो न्यू वर्जन है हम उसे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर किया क्लिक और ये आ गया 32 बिट और 64 बिट में, हम जिसमें चाहे कर सकते हैं। और जहाँ पे मैं तो स्टार्टर में करूँगा, लेकिन अगर आप अपने पास लाइफ टाइम रखना चाहते हो कि चलो बाद में भी काम आएगा, तो आप इसे जिप फाइल में कर सकते हो, ताकि अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस वगैरह खुदा ना खासा आता भी है तो वो इस पर असरअंदाज ना हो, आपकी ये फाइल करप्ट ना हो सके। तो ये मैं आपको ये बता देता हूँ 32 बिट और 64 बिट कैसे पता करते हैं कि आपका सिस्टम कौन सा वाला है। तो विंडो डी का बटन प्रेस किया और डेस्कटॉप पे आ गए, यहाँ पर जिस पीसी लिखा हुआ है इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, और अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपने यहाँ पर लिख लेना है पीसी खाली, और ये देखिए ये टॉप पे आ गया। ये 7 में भी यही चीज़ है, वैसे भी यही चीज़ होगी, 7 में इसका नाम माई कंप्यूटर होगा, यहाँ पर इसका नाम जिस पीसी है, तो मैं यहाँ पर इस लिहाज से कर लूँगा। प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हम इसकी डिटेल शो कर देगा, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर जैसा कि हमारे पास 64 बिट है, दोस्तों याद रखिए कि अगर आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इसके अंदर 32 बिट वाला भी नोटपैड कर सकते हो और 64 बिट वाला भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 32 बिट वाला है तो आप सिर्फ 32 बिट वाला ही कर सकते हो, 64 बिट वाला रन नहीं करेगा। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपके पास 32 बिट वाला है तो आप 32 बिट वाला करो, 64 बिट वाला तो 64 बिट वाला करो, क्योंकि वही सबसे बेस्ट होंगे। तो मेरे पास 64 बिट वाला है तो मैं यहाँ पर 64 बिट वाला करूँगा। ये आ गया 64 बिट की लाइन में, और नीचे आएंगे यहाँ पर ये इंस्टॉलर आ गया, इस इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे और ये देखें ये हमारे पास ओपन हो चुका है। डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद इसे इंस्टॉल करने के लिए हम नेक्स्ट नेक्स्ट का बटन प्रेस करते जाएंगे तो आगे जाकर ये इंस्टॉल भी हो जाएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी है तो मैं इसके लिए इसीलिए मैं इसको नहीं करूँगा, अलबत्ता मैं आपको एक डेमो के लिए दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। दोस्तों अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आपके पास यहाँ पर ये नीचे शो हो जाएगा डाउनलोड होता हुआ, मैं यहाँ पर इसे ओपन के बटन पर क्लिक करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी है लेकिन फिर भी मैं आपको हेल्प करने के लिए कर देता हूँ। ये देखिए वो पहले मैंने लिखा भेज दिया 32 बिट का पहले हुआ आपके पास, ये नेक्स्ट किया, एग्री किया, इसको आपने तफसील से पढ़ लेना है, मैं ये नहीं कहता आपने अभी नेक्स्ट कर देना है, लेकिन मैंने पहले पढ़ा हुआ है तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप, मैं मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं करूँगा, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करूँगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। पहले मेरे पास 32 बिट का था तो मैं अभी 64 बिट का कर रहा हूँ और ये हो गया, इसको रन कर लेते हैं।
इसकी वर्किंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके एडवांटेज भी बताऊंगा, आखिर इसके कौन कौन से एडवांटेज होते हैं और आखिर क्यों इसे ही यूज़ करना चाहिए हमें। हो गया, तो इसमें अगर मुझे जो वर्ड है इनको मुझे थोड़ा जूम इन करना है तो यहाँ पर भी नहीं आएंगे, यहाँ पर एक जूम इन का बटन लाजमन होगा। ये देखें यहाँ पर लिखा होगा है कंट्रोल नम वाला प्लस, जो आपका अगर मेरे पास लैपटॉप का कीबोर्ड, अगर आपके पास दूसरा कीबोर्ड है तो नम लॉक वाली साइड पे ना जो बटन होते हैं गिनती लिखी होती है उसके साथ प्लस का बटन होता है, उस साइड वाले कंट्रोल से प्लस वाले बटन को दबाएंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। लेकिन साथ साथ इसकी और कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल क्या करना, मैं यहीं पर आपको कुछ टैग लगा कर यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर बी टैग यूज़ करता हूँ बोल्ड करने के लिए, देखें एंडिंग टैग खुद ही लग गया। इसके लिए सेटिंग करना पड़ती है, वो सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही सेटिंग यहाँ पर किधर गया, यहाँ पर प्रेफरेंस लिखा होगा, यही कहीं होगा। मुझे थोड़ा खुद भी ढूंढने दे, काफ़ी टाइम हो गया इस पर काम किए हुए बोर्ड पर प्लस प्लस पे, क्योंकि मैं इसे कॉमनली यूज़ तो करता हूँ लेकिन जो प्रोफेशनल लेवल पे आता है तो मैं इसको नहीं यूज़ करता। यहाँ पर ये ऑटो कम्प्लीशन, यहाँ पर इन सब पे टिक लगा देनी है, ये सारे ओके हो गया है और इसके बाद इसको कर देना है क्लोज। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एंडिंग टैग भी लगा दिया करेगा विदाउट एनी टेंशन, आपका सारा काम हो जाया करेगा। इसके बाद इसे कर देते हैं क्लोज और आते हैं हमारे नेक्स्ट टैग में। मैं आपको इस नोट पैड का लिंक भी सेंड कर दूँगा, ये जो हमारा लिंक है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फाइल बना लेते हैं, इसके अंदर मैं सबको रख लेता हूँ नोट पैड प्लस प्लस के लिए हमारा लिंक आ गया ये। और हमारा दूसरा कौन सा था यार, मुझे फिर से भूल गया, सब लाइन के लिए मैं रख लेता हूँ यहाँ पर आ जाएगा हमारा सब लाइन का हमारा जो है लिंक, यहाँ पर लिखते हैं सब लाइन फ्री डाउनलोड। साथ ही मैं अगली टैब में ओपन कर लेता हूँ हमारा ड्रीम व्यूअर, यहाँ पर डाउनलोड के बटन आ गया। यहाँ पर अगर आपको विंडोज़ का चाहिए तो विंडोज़ पर क्लिक करेंगे और ये हो गया डाउनलोड। ये बाई डिफॉल्ट 64 बिट में है, हमारा उसने सिस्टम को खुद जज किया है कि हमारे पास सिस्टम 32 बिट का चाह रहा है या 64 बिट का चाह रहा है, उसी हिसाब से इसने हमें खुद ही प्रोवाइड कर दिया। ये इसकी ये सारी आगे कैटेगरीज हैं, इसका मेथड है। यहाँ पर मैं अभी डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है मौजूद है। जिस तरह नोट पैड होता है उसी तरह ये भी हो जाएगा। इसके बाद आगे हमारा ये आ गया ड्रीम व्यूअर, ड्रीम व्यूअर का भी यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। याद रहे मैं फिर बता रहा हूँ, इनको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से करना है, इसके अलावा कहीं से भी आपने नहीं करना। यहाँ पर क्लिक करने से ये भी आपका इंशाल्लाह डाउनलोड हो जाएगा, जैसा कि ये अभी स्टार्ट भी हो चुका है।
दोस्तों मेरे पास थोड़ा नेट का इशू आ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए और ये देखें ये डाउनलोड होने के लिए रेडी है, ये ऑनलाइन इंस्टॉल होगा, ठीक हो गया। और दोस्तों लेक्चर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इन तीनों टूल्स पे मैं आपको इनका एक डेमो भी दे दूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि क्या आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बेसिकली जो कोडिंग करेंगे वो हम बहुत बैठ करेंगे हमारी कम्प्लीट कोडिंग, और इनके मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।